मैं जीनियस सीनियर सेकेंडरी स्कूल सूरतगढ़ से मैथ टीचर महेंद्र वर्मा। पिछले वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री में टेबल बनानी सीखी थी, अब उस टेबल से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो अपने करेंगे। 10th क्लास का चैप्टर है 6, छठा चैप्टर त्रिकोणमितीय अनुपात। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है छठे का, वो हमें दिया गया है बुक में, क्वेश्चन नंबर 1, वो है 2 sin 45 cos 45। ये जो तीन हमें दे रखे हैं, इन तीनों के बीच में 2 sin 45 और cos 45 के बीच में कोई निशान नहीं है, कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब ये इनटू में है। तो ये जो 2 है 2 है वो तो अपने क्वेश्चन से ले लेंगे। साइन 45 यानी साइन 45 का मान अपने यहाँ से लेंगे, तो साइन की लाइन में आप 45 के सामने देखोगे वो अपने पास में है 1/√2 यानी 1/√2। इसी तरह से कोस की लाइन में हम जाएंगे तो उधर भी कोस 45 की जो वैल्यू है, कोस 45 का जो मान है वो भी 1/√2 है। अब इसको इंटू कर लो, 2 × 2 = 2, रूट दो को √2 से इंटू करेंगे 2 आएगा, यानी √2 को जब √2 से इंटू करेंगे तो 2 आएगा, √2 × √2 यानी √4, उसका जो वर्गमूल होता है वो 2 होता है, तो हम इसको नहीं लेते, हम डायरेक्ट इसको ले आते हैं। लेकिन ये कब आएगा, जब ये दोनों संख्या एक जैसी हो, ये दोनों नंबर एक जैसे हों। अगर √2 को √3 से इंटू करेंगे तो रूट नहीं हटेगा, फिर √6 आएगा यानी √6 आएगा। तो अपने को ध्यान रखना है कि रूट के अंदर जो वैल्यू है वो एक जैसी होनी चाहिए। तो ये 2 आया, 2 आया, 2 से 2 को भाग करेंगे 1, 2 बन जा 2। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। सेकंड क्वेश्चन हमें बुक में दिया गया है cos 45 यानी cos 45, cos 60 यानी cos 60 माइनस साइन 45 यानी साइन 45 एंड साइन 60 यानी साइन 60। अब इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, पहले वो देखो आप कि ऊपर वाला जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उसके बीच में ये तीन टर्म थे, हमारे पास तीन पद थे, तीनों के बीच में कोई निशानी तो इनटू था। तो जब कोई भी टर्म होते हैं उनके बीच में अगर इनटू होता है तो उसको एक टर्म माना जाता है, ये तीन टर्म नहीं होकर सिंगल टर्म है। लेकिन यहाँ पर ये दोनों और ये दोनों तो इनटू में है, लेकिन इसके बीच में माइनस का निशान आ गया, यानी अब प्लस और माइनस का निशान आता है तो हम कैसे करेंगे। तो cos 45 एंड cos 45 की वैल्यू हम वहाँ से ले आएंगे 1/√2, cos 60 की वैल्यू भी अपने वहाँ से ले लेंगे 1/2, फिर sin 45 यानी sin 45 की वैल्यू भी उधर से आ जाएगी 1/√2, और sin 60 की वैल्यू यानी 60 की वैल्यू हो जाएगी √3/2। तो ये वैल्यू लेने के बाद में sin 60 1/2, इसको सॉल्व कर लेंगे, 1 को 1 से इंटू करो 1 × 1 = 1, √2 को 2 से इंटू करो 2√2 माइनस फिर 1 × 1 √2, और ये प्लस का और माइनस का कैंसिल होकर 0। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास में है, वो दिया गया हमें कि साइन स्केयर 30 यानी 30 प्लस 2 cos² 45 यानी 2 cos² 45 प्लस 3 tan² 60 यानी 3 tan² 60। उसी तरह से अपने वैल्यू पुट करेंगे इसकी, तो साइन 30 की जो वैल्यू है 1/2, साइन स्केयर की वैल्यू आपको नहीं मिलेगी, हमें वैल्यू मिलेगी साइन 30 की, और ये जो स्केयर है वो ब्रैकेट के बाहर। इसी तरह से cos 45 की वैल्यू 1/√2, और ये स्केयर, tan 60 की वैल्यू अपने पास है √3, और ये स्केयर, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1 × 1 = 1, 2 × 2 = 4 प्लस 2 × 1² 1, √2² 2 प्लस 3 √3² 3। अब इसे सॉल्व कर लिया जाएगा 1/4 1/4, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, अपने पास आएगा 1 3 3 = 9, 1/2 9 + 1 = 10। अब ये अपॉन में है यानी बटा में है, फ्रैक्शन है, इसको हम सीधा प्लस नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम आएगा 4 से 4 कैंसिल होकर 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये 1 आ गया, और 4 को 10 से इंटू करोगे 4 × 2 = 4 × 10 = 40 यानी 10 × 4 = 40, प्लस कर लो ये आंसर आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो सेकंड से किस लिए अलग है, क्योंकि यहाँ पर स्केयर नहीं था, इसमें आपको स्केयर दिया गया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 यानी क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, वो हमें दिया गया है
थ्री साइन स्क्वायर 60, थ्री साइन स्क्वायर 60, थ्री साइन 60 माइनस फोर साइन क्यूब 60, तीन साइन 60, तो साइन 60 की टेबल वहाँ से ले लेंगे अपने वैल्यू रूट 3 अपॉन 2, और इसी तरह से वापस रूट 3 अपॉन 2 और ये क्यूब, इन दोनों को इंटू कर लेंगे, 3 रूट 3 अपॉन 2 माइनस 4 इंटू रूट 3 अपॉन 2 को रूट 3 अपॉन 2 से 3 टाइम यानी 3 बार इंटू करेंगे क्योंकि इसकी पावर 3 दे रखी है आपको। तो रूट 3 को जब रूट 3 से इंटू करेंगे 3 आएगा, अभी बताया था आपको, और 2 को 2 से इंटू करेंगे 4, इसको फिर इंटू कर लेंगे एक बार और, ये हो जाएगा 3 रूट 3, 4 2 जा 8 यानी 4 2 8, ये हो जाएगा 3 रूट 3 अपॉन 8, 3 रूट 3 अपॉन 2 माइनस 4 से 8 को डिवाइड करेंगे 2, तो 3 रूट 3 अपॉन 2, ये प्लस का माइनस का कैंसिल होकर 0। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5, जो 5 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, ध्यान से देखेंगे इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास में है, 5 cos² 60 प्लस 4 sec² 30 माइनस 10² 45 अपॉन में इसके है sin² 30 प्लस cos² 30, सेम तरीका रहेगा, वही मेथड हमारा, साइन 5 तो यहीं रहेगा, cos 60, cos 60 की वैल्यू अपने टेबल से लेंगे तो 1 अपॉन 2 1 बटे 2 और ये स्क्वायर, sec 30 यानी sec 30 की वैल्यू अपने पास ये रही 30 के सामने इधर 2 अपॉन रूट 3 और ये स्क्वायर क्वेश्चन से, और tan 45 की वैल्यू, tan 45 की वैल्यू 1 यानी a, sin 30 की वैल्यू 1 अपॉन 2 और ये स्क्वायर, और cos 30 की वैल्यू अपने पास होगी रूट 3 अपॉन 2 और ये स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन उनसे डिफरेंस कैसे हो गया, इसमें स्क्वायर भी है और प्लस माइनस भी है और ये अपॉन यानी बटा में भी है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले अपने इसको इसकी वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करने के बाद में इसका मान रखने के बाद में जो सबसे पहले स्क्वायर है उसको यहाँ से हटाएंगे, तो 5 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, और इसको सॉल्व कर लेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 1 जा 5 अपॉन 4 प्लस 4 4 जा 16 अपॉन 3 माइनस 1, 4 और 4 का एलसीएम 4 आया, 4 से 4 कैंसिल होकर 1 प्लस 4 से 4 कैंसिल होकर 3, इसका एलसीएम लेंगे हम क्योंकि ये फ्रैक्शन है, बटा में है, भिन्न है, तो एलसीएम के बगैर ये सॉल्व नहीं होगा, तो 4 और 3 यानी 4 और 3 का जो एलसीएम है वो लघुत्तम है, 12 आया, इस 12 में इस 4 का भाग करेंगे यानी 12 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 जा 12 4 3 12 3 आया, इस 3 को ऊपर वाले 5 से इंटू करेंगे 3 5 15 3 5 जा 15, फिर 3 से डिवाइड करेंगे हम 12 को 3 से डिवाइड, 3 4 जा 12 4 आया, 4 को 16 से इंटू करेंगे यानी 4 को इस 16 से इंटू करेंगे तो 64 यानी 64, फिर माइनस, अब इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो आप इस एलसीएम से इसको डायरेक्ट इंटू कर लो, 12 1 जा 12 यानी 12 एकम 12, इन दोनों को प्लस करेंगे 3 और 1 4 बटा में 4 4 अपॉन 4, इसको और इसको प्लस कर लेंगे हम 15 और 64 को क्योंकि दोनों ये प्लस हैं, प्लस के हैं, तो ये आ जाएगा अपना 79 यानी 79 माइनस 12 और 4 से 4 को डिवाइड, एलसीएम इसका 12 12 और 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, इसको माइनस करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 67 अपॉन 12 और ये जो 1 था इसको हम हटा देंगे, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। 5 के बाद में क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसका चैप्टर का, वो आपको अपने आप करके देखना है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो थोड़ा सा डिफरेंस है,
वो देख लो कैसे है। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपको दे रखा है, ये 4 upon cot square 30 plus 1 upon sin square 30 minus cos square 45, यानी 4/cot square 30 प्लस 1/sin square 30 माइनस cos square 45। तरीका अभी हमारा वही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं है। ये 4 रहेगा, cot square 30 की वैल्यू अपने यहाँ से लेंगे, ये रहा cot, ये रहा 30 और ये आया √3, तो ये रहा √3 और ये स्केयर प्लस क्वेश्चन से sin 30, तो sin 30 हमारे पास ये रहा 1/2 1/2 और ये स्केयर, और cos 45 यानी 45 वो ये रहा 1/√2 यानी √2 1/√2 और ये होल स्केयर। सॉल्व कर लेंगे इसे, 4/√3 का जो स्केयर है वो 3 आएगा प्लस 1/2 का जब स्केयर करेंगे तो 1/4 आएगा माइनस 1/2, 4/3 यहीं रहेगा प्लस भी यहीं रहेगा, ये जो ऊपर वाला 1 है वो भी यहीं रहेगा, ये जो 1/4 है ये इसके साथ इनटू में जाएगा, अभी अपॉन में है डिवाइड में है, जब ऊपर जाएगा तो उलट हो जाएगा और माइनस 1/2, 4/3 प्लस 1 से 1 कैंसिल करो 4 आएगा माइनस 1/2। अब इसका एलसीएम लेंगे, 3 और 2 का जो एलसीएम है वो 6 आएगा, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2, 2 को 4 से इंटू करेंगे 8, 6 4 जा 24 यानी 6 चौके 24, और 2 से 6 को डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 बन जा 3। अब इन दोनों को प्लस कर लेंगे, 8 plus 24 तो 32 माइनस 3/6 माइनस करेंगे 29 यानी 29/6। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब जो क्वेश्चन नंबर 8 7 के बाद में है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।